Ashley in the house. The reason I'm here is to introduce to you Ashley 2. Hey there. I'm Ashley 2. It's so great to meet you, Rachel. You too. I'll be here for I'll, you. I'll be here for you. She doesn't understand how fragile all this is. Do you think I should up the dose? God, that's a relief. We are एक सैतीस वर्षीय महिला 20 साल बाद कोमा से जागती है और हाई स्कूल में फिर से शामिल होने का फैसला करती है ताकि वह उस जीवन को जी सके जो उसने खो दिया है हालांकि वह पाती है कि बहुत कुछ बदल गया है और उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हेलो दोस्तों हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है आज हम सीनियर ईयर नाम की 2022 की एक कॉमेडी फिल्म का पुनर्कथन करेंगे बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिल्म की शुरुआत स्टेफनी कॉनवे से होती है जो एक अधेड़ उम्र की महिला है जो इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करती है फिर हमें समय पर वापस ले जाया जाता है ताकि स्टेफनी को उसके परिवार के साथ एक गेंदबाजी गली के अंदर पाया जा सके जब वह चौदह साल की हो जाती है तो वह बताती है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाना उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम था वह यह भी कहती है कि लोकप्रिय होना उनका अंतिम लक्ष्य है स्टीव ने तब ब्लैन बॉल्बो को नोटिस किया जो एक लोकप्रिय लड़का था वह अपनी अभिमानी प्रेमिका टिफनी ब्लैंचेट के साथ है स्टीव फिर उन्हें अपनी जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट करती है हालांकि टिफनी पार्टी का मजाक उड़ाती है और ब्लन को दूर ले जाती है ना खुश स्टीव किसी भी कीमत पर लोकप्रिय होने का संकल्प लेते हैं सालों बाद वह चेयर लीडिंग स्क्वाड लीडर बन जाती है जब उसे कई दोस्त हैं और उसने ब्लेन को डेट करना भी शुरू कर दिया है अगले दृश्य में एक सत्रह वर्षीय स्टीव को स्कूल के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त सेठ नोवोसेलिक उसके लिए नीचे इंतजार कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ का उस पर गंभीर क्रश है लेकिन वह इसे व्यक्त करने से बहुत डरता है स्टेफ के पिता जिम कॉनवे उसे एक पोशाक देते हैं, जो उसकी मां ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ दी थी स्टेफ इसे अपने आने वाले प्रॉम में पहनने का फैसला करती है स्कूल के रास्ते में स्टेफ रुक जाती है क्योंकि वह अपनी प्रेरणा डियाना रूसो के घर से गुजरती है डियाना जो 1995 में क्वीन थी एक शानदार घर और एक सुंदर पति के साथ आदर्श जीवन जी रही है स्टेफ की इच्छा है कि वह और ब्लेन उसकी तरह ही जी सकें। उसके बाद वह सेट को बताती है कि उसने अपने दोस्त मार्था के लेक हाउस में एक प्रॉम पार्टी की योजना बनाई थी क्लास में स्टेफ को पता चलता है कि टिफनी प्रॉम के बाद पार्टी भी होस्ट कर रही है वह जल्दी से उसे टॉयलेट में ले जाती है और दोनों बहस करने लगते हैं एक अभ्यास सत्र से पहले मार्था समूह को सलाह देने की कोशिश करती है लेकिन टिफनी ने उसे बुरी तरह से काट दिया इससे टिफनी को गुस्सा आ जाता है और वह पूरे समूह के सामने टिफनी का उपहास करती है बाद में टिफनी अपने दो दोस्तों के साथ कुछ योजना बनाना शुरू कर देती है जल्द ही माशा शुरू हो जाता है और समूह नाचने लगता है अंत में स्टेफ अपना ट्रेडमार्क जंप करती है लेकिन दुर्भाग्य से दो लड़कियां उस लड़के को धक्का दे देती हैं जिसे स्टेफ को पकड़ना है वह जमीन पर गिर जाती है और स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है यह दृश्य भविष्य में 20 साल बाद एक अस्पताल में स्थानांतरण हो जाता है जहाँ स्टेफ अचानक अपने कोमा से जाग जाती है वह जन्मदिन के कई उपहार देखती है जिनमें से कुछ 37 वर्षीय के लिए चिन्हित हैं जो उसे भ्रमित कर देता है जब स्टेफ आईने में अपना नया रूप देखती है तो वह बेहोश हो जाती है बाद में स्टेफ को पता चलता है कि यह वर्ष 2022 है जिम और मार्था उस स्थान पर पहुंचे और वे स्टेफ को देखकर खुश हुए चिकित्सक जिम को सतर्क रहने की सलाह देता है क्योंकि स्टेफ अभी भी मानसिक रूप से सत्रह साल की है जिम और मार्था तब स्टेफ को घर ले जाने का फैसला करते हैं रास्ते में स्टेफ यह जानकर हैरान रह जाती है कि दुनिया कैसे बदल गई है मार्था तब उसे बताती है कि वह हॉडिंग हाई स्कूल की प्रिंसिपल है जहां वे दोनों कभी पढ़ते थे तभी स्टेफ एक व्यसक ब्लैन को देखती है लेकिन वह डायना रूसो के घर में है स्टेफ अपने पिता से कार रोकने के लिए कहती है लेकिन जब वह नहीं करता है तो वह बाहर कूद जाती है वह घर की ओर भागती है लेकिन टिफनी को दरवाजे का जवाब देख चौंक जाती है टिफनी स्टीफ को बताती है कि उसने ब्लेंड से शादी की और उसके माता पिता ने उसे उपहार के रूप में यह घर दिया स्टेफ अभी भी ब्लें से मिलना चाहती है लेकिन टिफनी उसे बाद में वापस आने के लिए कहती है स्टेफ चिड़ कर घर आती है लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे के अंदर कदम रखती है वह टूट जाती है क्योंकि जिम ने उसका सारा सामान सुरक्षित रख लिया है आधी रात को स्टेफ भावुक हो जाती है और उसे सेठ द्वारा भेजी गई एक किताब के अंदर उसकी तस्वीरें मिलती है वह फिर अपनी दिवंगत माँ को याद करती है जो हमेशा मानती थी कि महान चीज़ें हासिल हो सकती हैं यह उसे प्रेरित करता है और एक बार फिर से लोकप्रिय होने का संकल्प लेती है आपको क्या लगता है कि स्टिफनी लोकप्रिय हो पाएगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगली सुबह जब मार्था स्कूल जाने वाली होती है तब स्टेफ उसके पास जाती है और हॉर्डिंग हाई स्कूल में दाखिला लेने की इच्छा व्यक्त करती है मार्था अनिच्छा से स्टैफ को स्कूल लौटने की अनुमति देने का फैसला करती है बाद में स्टैफ आत्मविश्वास के साथ घर से निकल जाती है क्योंकि वह स्कूल में अपने पहले दिन के लिए निकलती है स्टैफ सेट में मिलती है जो स्कूल के लाइब्रेरियन के रूप में काम करता है वे एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं कुछ छोटी छोटी बातें करने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं स्टैफ तब मार्था को अपने कार्यालय में देखता है और प्रॉम क्वीन बनने के लिए बुलडोगेट्स चेयर लीडिंग दस्ते में फिर से शामिल होने के लिए कहता है मार्था उसे बताती है कि स्कूल में अब प्रॉम क्वीन नहीं है स्टेफ इससे दुखी है लेकिन वह अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वह प्रॉम क्वीन को वापस लेने के लिए एक याचिका के साथ कैफेटेरिया तक जाती है वहाँ जहाँ जेनेट सिंह यौज और नील चुन में शामिल होती है तीन छात्र जो तुरंत उसके आचरण से प्रभावित होते हैं स्टेफ द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने के बाद तीनों उत्सुकता से याचिका पर हस्ताक्षर करते हैं हालांकि वह जल्द से जान जाती है कि कोई और इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक कि स्कूल में सबसे लोकप्रिय बच्चा ब्री लूज पहले ऐसा नहीं करता ब्री एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके थ्री मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं ब्री और उसके प्रेमी लॉन्स हेडस ने समूह से संपर्क किया और याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जब स्टेफ ने उसे कागज मुक्त कहा वह स्टेफ से कहती है कि जाने से पहले वह टिफनी की बेटी है बाद में स्टेफ खेल के मैदान में जाती है और फिर सीखती है कि मार्था चीयरलीडर लीडर की प्रभारी है दूसरों के साथ जेनेट और योज एक स्ट्रूटीन कर रहे हैं जिससे स्टेफ को हंसी आती है यह पता चलता है कि स्कूल के सभी मोहक नृत्यों पर प्रबंधित लगा दिया गया है क्योंकि कुछ छात्रों ने इसे अपमानजनक पाया निराश होकर स्टेफ सेट की मदद लेने के लिए पुस्तकालय जाती है उसे पता चलता है कि वह इंस्टाग्राम का उपयोग करके लोकप्रिय हो सकती है वह घर लौटती है और अपने पिता से उसे खरीदने के लिए विनती करती है जो कि एक फोन है लेकिन आश्चर्य से उसका पिता पहले ही ऐसा कर चुके हैं इससे स्टेफ बहुत खुश हो जाती है अगले दिन स्टेफ और कुछ अन्य सत्याठी जेनेट के स्थान पर अध्ययन कर रहे हैं उसे पता चलता है कि उन्हें ब्री की पार्टी में नहीं बुलाया गया है वह फिर अपने दोस्तों को लोकप्रिय बनने के बारे में एक प्रेरक भाषण देती है और उन्हें नृत्य भी करवाती है बाद में प्रिंसिपल मार्था द्वारा आयोजित समारोह के लिए बच्चे और उनके माता पिता उपस्थित होते हैं कुछ ही समय बाद टिफनी जो हॉडिंग हाई स्कूल पीटीए एसोसिएशन के प्रमुख हैं पोडियम लेते हैं वह बताती है कि प्रॉम टिकट की कीमत 93 डॉलर होगी अब स्टेफ ने नेतृत्व में बुल्डोगिट्स के नृत्य प्रदर्शन का समय आ गया है वे मंच में प्रवेश करते हैं और सुस्त प्रदर्शन शुरू करते हैं अचानक वे काम पोशाक में बदल जाते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं टिफनी और कमरे के अन्य माता पिता इससे सभी हैरान हैं लेकिन ब्लेन प्रभावित प्रतीत होता है अगली सुबह जब स्टेफ जागती है तो उसे पता चलता है कि उसका डांस वीडियो वायरल हो गया है और अब उसके पास एक बड़ा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है जब वह स्कूल जाती है तो सभी उसे पसंद करने लगते हैं हालांकि मार्था का दावा है कि उनके नृत्य ने समारोह को बर्बाद कर दिया बचाव में स्टेफ का दावा है कि वह स्कूल को मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रही है कहीं और एक उग्र टिफनी अपनी बेटी का सामना करती है और उसे प्रॉम क्वीन को बहाल करने का आदेश देती है वह यह भी चाहती है कि ब्री खिताब के लिए स्टेफ से मुकाबला करे और उसे हराए क्या आपको लगता है कि ब्री स्टेफनी को हरा पाएंगे जानने के लिए आगे देखिए यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने इस पर लाइक बटन हिट कर दिया है ब्री का दावा है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन जब टिफनी ने उसे मैदान में उतरने की धमकी दी तो ब्री सहमत हो गई। इसी बीच स्टेफ और सेट डेट पर बाहर आए हैं और उसने खुलासा किया कि वह प्रॉम क्वीन बनना चाहती है वह फूट फूट कर रोने लगी और कहती है कि उसकी माँ को हमेशा उस पर भरोसा था यह सुनने के बाद सेट उसके साथ प्रॉमिस करके और उसका समर्थन करने का फैसला करता है अगले दिन मार्था घोषणा करती है कि प्रॉम क्वीन और प्रॉम किंग ब्री के अनुरोध पर लौट रहे हैं स्टेफ और उसका समूह इससे प्रसन्न होते हैं और वे इस अवसर के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं स्टेफ को जल्दी पता चलता है कि ब्री उसके खिलाफ खिताब के लिए मुकाबला करेगी स्टेफ को छोड़कर सभी या छात्रों को टिफनी से प्रॉम पार्टी के बाद निमंत्रण मिला है निराश होकर स्टेफ घर चली जाती है और अपनी कोठरी को देखती है तब वह मार्था के लेक हाउस की चाबियों का पता लगाती है इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि प्रॉम जीतने के बाद वह फ्री पार्टी देंगी प्रॉम रात आखिरकार आ ही जाती है और सेट स्टीव के साथ तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं तभी स्टेफ ने अपनी दिवंगत माँ द्वारा पहनी हुई पोशाक पहनी और बाहर दिखाई दी वे फिर प्रॉम के लिए निकल जाते हैं स्टेफ टिफनी को प्रॉम में वेटिंग बूथ में देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं उन्होंने जीतने की अपनी क्षमता में विश्वास व्यक्त करते हुए ब्री के लिए वोट भी डाला वह फिर एक लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए बाहर कदम रखती है और ब्लेंड का सामना करती है जैसे ही ब्लेंड ने उसे बहकाना शुरू किया स्टेफ ब्लन को दूर धकेलने की कोशिश करती है लेकिन सेट इस बात का गवाह है स्टेफ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह निराश हो जाते हैं इस बीच प्रॉम के सार्वजनिक किए जाते हैं। जैसा कि अनुमान था लैंस को का ताज पहनाया गया ब्री हालांकि अंतिम समय में दौड़ से बाहर होने का फैसला करती है जिससे स्टेफ विजेता बन जाती है ब्री उसे बधाई देने के लिए हर किसी के साथ शामिल हो जाते हैं लेकिन टिफनी अवाक रह जाती है लॉन्स और स्टेफ जल्दी ही अपना मुकुट पहन लेते हैं और एक शानदार नृत्य के साथ दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं समारोह के बाद छात्र स्टेफ की ऑफर्ड प्रॉम पार्टी के लिए आगे बढ़ते हैं इसी बीच टिफनी जो अपनी योजनाओं को पटरी से उतरने के लिए स्टेफ से नाराज है पुलिस को फोन करती है पुलिस जल्दी से आती है और छात्रों को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करती है जब मार्था आती है तो वह स्कूल की प्रतिष्ठा को खतरे में डालने के लिए स्टेफ का पीछा करती है मार्था और सेट के जाते ही स्टेफ अकेली रह जाती है उसे घर पर छोड़ने के लिए कोई नहीं है उसके कारण स्टेफ एक लिफ्ट लेती है लेकिन यह जानकर चौक जाती है कि डियाना रूसो ड्राइवर है पता चलता है कि डियाना के पति ने 30 साल की होने के बाद उसे छोड़ दिया वह अपने पछतावे का उल्लेख करती है कि लोकप्रियता के ग्रस्त होने के बाद भी वह कड़ी मेहनत करके कुछ भी नहीं बन सकती थी यह सुनकर स्टेफ को अपनी गलतियों का एहसास होता है अगली सुबह एक उदास स्टेफ रसोई में जाती है लेकिन जिम परिवार और दोस्तों के महत्व के बारे में बात करके उसे खुश करता है भाषण स्टेफ को मार्था और सेट से माफी मांगने के लिए मना लेता है और वह यह तब होता है जब वह लाइव हो जाती है जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है वह ईमानदारी से माफ़ी मांगती है और स्वीकार करती है कि सेट और मार्ता ही ऐसे लोग थे जिन्होंने देश में पहली बार अपने आने से उसकी मदद की थी लाइव समाप्त होने पर टिफनी अप्रत्याशित रूप से बाहर आ जाती है और स्टेफ से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है स्टेफ माफी स्वीकार करती है और वे साथ हो जाते हैं अगले दिन स्कूल में स्थानक समारोह आयोजित किया जाता है प्रत्येक छात्र को मंच पर बुलाया जाता है और जब स्टेफ को बुलाया जाता है तो वह मार्था को उसकी दोस्त बनने के लिए धन्यवाद देती है पूरी डांस टीम तब टिफनी मार्था, सेट और यहाँ तक कि ब्लैन सहित स्टेफ के सिग्नेचर स्टीवन का डांस शुरू कर देते हैं स्टेफ इससे हैरान है और वह उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर है अंत में वह अपनी प्रसिद्ध छलांग को अंजाम देती है इस बार क्षतिपूर्ण उत्कर करती हैं। फिल्म का अंत हो जाता है क्योंकि स्टेफ और सेट अंततः बाहर निकल जाते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने इस पर सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को क्लिक किया है ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म का रिकैप कभी ना छूटे